अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आदमी हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है, पर अगर इस भागदौड़ में फैमिली बर्बाद हो जाए तो फिर क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेस्ट 2020 की एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज देकर जाती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर रोरी को देखते हैं। रोरी बहुत सालों पहले इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका आया हुआ था। रोरी एक स्टॉक ब्रोकर है, वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था, इस वजह से वो बहुत ही रिच था। आजकल उसके न्यूयॉर्क के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो इस वजह से शायद उसके पैसे आना बंद हो जाएगा, तो इस वजह से वो वरीड था। उसने फिर से अपने इंग्लैंड के ऑफिस में कॉल लगाया और उसे जॉब देने के लिए फिर से वापस लेने के लिए रेडी थे। ये फोन कॉल पर वो बात करता है, इसके बाद उसने अपनी वाइफ को उठाया। अपनी वाइफ के साथ उसके दो बच्चे भी है, एक बेटी और एक बेटा। इनकी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। रोरी अपने बच्चों के साथ एक साथ ब्रेकफास्ट करता, उन्हें स्कूल छोड़ देता। उसकी वाइफ एलिसन को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है, तो इस वजह से एक जगह पर वो हॉर्स राइडिंग टीचिंग का काम करती है। ये पूरी फैमिली एक दूसरे को बहुत सारा टाइम देती है। रोरी को अभी अभी अपॉर्चुनिटी आई तो एलिसन से एक दिन वो बात करता है। उसे कहता है, आजकल मेरे पास तो पैसे है, पर थोड़ी देर में ये पैसे आना बंद हो जाएगा, मुझे फिर से इंग्लैंड जाना है। वैसे भी रोरी की मदर इंग्लैंड में थी। रोरी कहता है, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैंने इसका सही से फायदा उठाया तो पूरी लाइफ में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बात सुनकर एलिसन भी इस पर सोचने लग जाती है। इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात की। उसकी मदर कहती है, बहुत सारे लोगों को कंट्री छोड़कर जाने का कभी भी चांस नहीं मिलता, तुम्हें जाना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। वैसे भी वो सही कह रहा है, उसकी मदर वहां रहती है, शायद इस कंट्री में वो अकेला फील करता है। एलिसन को भी अपनी मदर को छोड़कर जाना जरा बुरा लग रहा था। वो मजाक करती है, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं तुम्हें भी मिस करूंगी, एक नटखट बच्ची की तरह। इसके बाद एलिसन और बच्चे इंग्लैंड आ गए। रोरी ऑलरेडी वहां पर पहुंच गया था और एक पैलेस जैसा घर उसने ऑलरेडी रेंट कर लिया है। वो एक्साइटेड होकर सारा घर उन्हें दिखाता है, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा था। यही बात एलिसन उसे बताती है। रोरी कहता है, तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जरा आगे तो देखो, यहाँ पर बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर तुम खुद की हॉर्स राइडिंग कर सकती हो, खुद की एकेडमी खोल सकती हो। रोरी ने एलिसन को एक रोप भी गिफ्ट दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रोरी को उसके ऑफिस में हम देखते हैं। जिस तरीके से रोरी डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहा था, ये उसके बॉस को बहुत अच्छा लगा। बॉस फिर उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में लेकर गया। इसमें रोरी कहता है, अमेरिका में हर लोग ऐसा मानता है कि वो कुछ भी पा सकता है, ये बड़े सपने देखते हैं, हमें इंग्लैंड में भी यही सपने लोगों को दिखाने हैं, इस कंट्री को हमें आगे लेकर जाना है। ये जो रोरी का माइंड सेट चेंज हो गया था, ये कंपनी को बहुत अच्छा लगा। रात में सारी फैमिली मिलकर डिनर करते हैं। बच्चों को अपने स्कूल में एडजस्ट होने के लिए जरा टाइम लग रहा है। रोरी अपने बेटे बेंजामिन से पूछता है, तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है? बेंजामिन कहता है कि ठीक है, पर रोरी ने कहा कि वो यहाँ का बेस्ट स्कूल है। रोरी इस पर बहुत ही प्राउड था। अगले दिन रोरी ने एलिसन के लिए पर्सनल हॉर्स बाय कर लाया। एलिसन अब बहुत खुश थी, एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। आज रात फिर ये दोनों पार्टी पर गए। पार्टी में जब भी रोरी जिससे भी बात करता है तो बहुत ही अमीर है, इस तरीके से उसे जताने की आदत होती है। उसने न्यूयॉर्क में सब कुछ सेल कर दिया था, पर फिर भी वो लोगों को कहता है कि मैं न्यूयॉर्क में अपना पेंट हाउस हमेशा रखूंगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। ये सब बातें एलिसन को उसकी अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी वो इग्नोर करती है। पार्टी में रोरी के बॉस ने एलिसन से बात की, ये दोनों कपल्स के बारे में बात कर रहे थे। रोरी का बॉस कहता है, जब हम किसी से शादी करते हैं तो उनके अच्छाइयों के साथ उनकी बुराइयां भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, एक ही पर्सन में हम सारी चीज परफेक्ट नहीं पा सकते। आजकल के कपल सब कुछ एक ही साथ पाना चाहते हैं, तो इसी वजह से शायद डिवोर्स इनका होता है। एलिसन को लगता है कि एक परफेक्ट पार्टनर डिजायर करना ये कोई गलत बात नहीं। पार्टी से घर पर आने के बाद एलिसन रोरी से बात करती है, कहती कि यहाँ पर कितनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। एलिसन को लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत ही प्रिटेंशियस है, न्यूयॉर्क में इस तरीके का प्रीटेंड लोग नहीं करते थे। एलिसन हमेशा जरा लेट उठती है, तो बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए वो जरा लेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोरी अपने बॉस के पास आया हुआ था। वो कहता है, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी ऑफर है, एक न्यूयॉर्क की कंपनी से मैं बात कर रहा था, वो अपनी फर्म बाय करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, अगर ये डील कम्प्लीट हो गई तो रोरी को इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उसे फिर से कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था और अपने बॉस को बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताता है। बॉस कहता है, क्या तुम ये कंपनी सेल करने के लिए यहाँ आए थे? रोरी कहता है कि तुमने मुझे हायर किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा कर दे सकूं, बेस्ट वे कंपनी सेल करना ही है। बॉस को भी आइडिया अच्छा लगा था,
तो मीटिंग वगैरह सेट करते हैं। आज रात रोरी ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। एलिसन के हॉर्स राइडिंग की जगह पर एक स्टेबल बन रहा था, पर वो बनाने वाले वर्कर्स कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, तो उन्हें वो कॉल कर दिया। उन वर्कर्स ने कहा कि हमें कोई भी पैसे नहीं मिले, जो चेक हमें रोरी ने दिया था ये बाउंस हो गया है। एलिसन को बहुत ही अजीब लगा। इसके बाद वो जाकर बैंक अकाउंट चेक करती है तो उसमें सिर्फ $600 थे। इसके बारे में उसने रोरी से बात की। रोरी कहता है अभी अभी हमने वो हाउस रेंट किया, इसके बाद बच्चों के स्कूल के लिए पे किया, हॉर्स बाय किया, इन सब चीजों में उसके पैसे चले गए। उसने एलिसन को वरी करने से मना किया। कहता है कि इस मंथ के एंड में मुझे बहुत बड़ा चेक मिलने वाला है, कुछ भी वरी मत करो। रात में उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर डिनर करने के लिए लेकर गया। एलिसन कहती कि अगर सचमुच में तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आने वाले हैं तो मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। उसने बहुत ही एक्सपेंसिव शैंपेन ऑर्डर की। रोरी को हमेशा लगता है कि एलिसन को शैंपेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर वो कैसे भी हो फिर भी वो पूरी बॉटल बाय कर लेती है। अगले दिन रोरी ने एलिसन से कुछ पैसे मांगे। एलिसन ने उसे छुपा कर रखे थे तो रोरी को रूम के बाहर जाने के लिए कहती है। रोरी को इस पर गुस्सा आ गया। आज जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो उसको हॉर्स अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसने फिर भी अपने हॉर्स को एग्जॉस्ट करवाया तो इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर में उसने रिस्पॉन्स देना भी बंद कर दिया। एलिसन डिस्टर्ब हो गई। वो जल्दी से भागते भागते जाकर एक पास के फार्म के फार्मर को लेकर आती है। फार्मर ने कहा यह बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसे हमें मारना पड़ेगा। वो फिर हॉर्स को ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए उसे शूट कर देता है। एलिसन बहुत रोई। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि रोरी की कंपनी को सेल करने की जो डील चल रही थी इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा था। इसके बारे में उसने जाकर अपने बॉस से बात की तो बॉस कहता है ये डील में नहीं करने वाला। बॉस ने अपनी कंपनी जिस तरीके से क्रिएट की थी उसकी लेगेसी को वो न्यू कंपनी पूरी तरीके से मिटा देती, ये उसे नहीं चाहिए था। इस बात पर रोरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बॉस कहता है कि तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें प्रॉफिट कैसे कमाना है ये पता है, पर तुम्हें इस तरीके से एक जगह पर स्टेबल रहना भी सीखना चाहिए। एलिसन ने जब अपने बेटे को बताया कि उसके हॉर्स की डेथ हो चुकी है तो उसे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हॉर्स को एक प्रॉपर मेमोरियल दिया। आज पूरी रात रोरी घर पर नहीं आया था। अगले दिन एलिसन अपने हॉर्स को बरी कर देती है। हम देखते हैं कि रोरी अपनी मदर के पास आया था। बहुत साल हो चुके पर रोरी ने अपनी मदर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा था। उसकी मदर को यह भी नहीं पता कि रोरी ने शादी की है, उसके बच्चे भी हैं। वो अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है। वो अपनी मदर को कह रहा था तुम अगर चाहो तो हमारे पास आकर रह सकती हो। उसकी मदर ने कहा कि मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो डायरेक्टली उसके साथ आकर नहीं रह सकती, वो फिर भी इसके बारे में सोचने वाली है। रोरी अपनी मदर पर जरा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी मदर को इन्वाइट कर रहा था, पर इतने सालों बाद कोई भी कॉन्टैक्ट ना रखे हुए वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता। घर पर आने के बाद एलिसन रोरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसने फोन का भी बिल पे नहीं किया था, इस वजह से कनेक्शन इनका टूट चुका है। एलिसन अपने हॉर्स के बारे में उसे बताती है तो रोरी कहता है कि शायद उस आदमी ने मुझे फॉल्टी हॉर्स दिया। एलिसन को सिंपति देने के बावजूद उस आदमी पर ही गुस्सा हो गया। एलिसन ने ऑलरेडी उस हॉर्स को बरी कर दिया था तो इस पर भी वो गुस्सा हो जाता है। रोरी कहता है मैं उस पर टेस्ट कर सकता था, जिस आदमी ने मुझे फंसाया है उस पर मैं केस कर सकता हूँ। ये हॉर्स $5,000 का था। रोरी को सिर्फ पैसों की पड़ी थी तो इस बात पर एलिसन के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। गुस्से में एलिसन कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम एक बहुत ही पुअर लड़के थे और अब रिच होने का सिर्फ प्रिटेंड करते हो। रोरी कहता है कि ऑफकोर्स मैं वैसा हूँ, ये जो सारी चीजें मेरे पास है इस पर मैं बहुत प्राउड हूँ, ये सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ। मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी कोई भी औकात नहीं थी, तुम अपने डॉटर के साथ एक सड़े हुए अपार्टमेंट में रह रही थी। इसका मतलब है एलिसन की डॉटर ये रोरी की स्टेप डॉटर है, बेंजामिन उसका एक्चुअल बेटा था। एलिसन बहुत ही हर्ट हो गए, उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। अगले दिन रोरी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक अच्छे डील पर काम करना स्टार्ट कर दिया। आजकल एलिसन के पास भी पैसे नहीं तो पास के फार्म में वो कुछ काम ले लेती है। उसे बेंजामिन के स्कूल से कॉल आया तो बेंजामिन ने किसी को मारा हुआ था। वो जब उसे लेने के लिए गई तो बेंजामिन रोने लगता है। वो कहता है मुझे बड़े बच्चे बुली कर रहे थे। एलिसन कहती है अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बेंजामिन कहता है मुझे बताया कि तुम्हारे और फादर के बीच में झगड़ा चल रहा था, मैं तुम्हें और भी वरी करवाना नहीं चाहता था। एलिसन उसे गले लगा लेती है। घर में एलिसन की बेटी अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ थी, ये एलिसन को अच्छा नहीं लगता, पर उसकी बेटी उसका कुछ भी नहीं सुनती। आज रात रोरी अपने क्लाइंट के साथ डिनर के लिए एलिसन को भी लेकर जाता है। इस डिनर पर भी वो जता रहा था कि वो बहुत ही रिच है। वो एक प्ले के बारे में बता रहा था।
एलिसन सब चीजों से तंग आ चुकी थी, तो इस बात पर वो हंस देती है। कहती है, मेरे हस्बैंड ने कभी भी थिएटर में पाव भी नहीं रखा। वो फिर गुस्से में यहाँ से चली गई, तो रोरी भी उसके पीछे आता है। एलिसन उसे मिली नहीं, पर क्लाइन अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वो लोग सिर्फ मेरे साथ ही काम करना चाहते हैं। इस बात पर रोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एलिसन गाड़ी लेकर चली जा चुकी थी, तो रोरी को एक कैब लेनी पड़ती है। कैबी उसे पूछता है, तुम काम क्या करते हो? रोरी ने कहा कि मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं अमीर हूँ। कैबी पूछता है कि ऐसा क्यों करते हो? तो रोरी कहता है कि मुझे पता नहीं। उसने कहा कि एक बार मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, $1,000,000। मुझे लगा कि ऐसे ही पैसे मेरे पास हमेशा आते रहेंगे, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं। कैबी पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? रोरी ने कहा कि हाँ, दो बच्चे हैं। तो कैबी ने कहा, तुम्हें लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सही चीज़ है। हम इस वर्ल्ड में आए तो हमारे बच्चों के लिए ही। वो पूछता है कि क्या तुम अच्छे फादर हो? रोरी ने कहा कि ऑफकोर्स मैं अच्छा फादर हूँ। मैं कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाता, उन्हें जो भी चाहिए ये सारी चीज़ें लेकर देता हूँ। कैबी कहता है, ये चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है, इससे तुम अच्छे फादर नहीं बनते। तुम्हें अब अपनी लाइफ को सही से ट्रैक पर लाना पड़ेगा। एक जॉब ले लो, थोड़े से पैसों के लिए तुम काम कर सकते हो, पर फिर भी अपने फैमिली को तुम खो नहीं सकते। तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। रोरी को सही में उसे क्या चाहिए इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। कैबी ने अपनी कार रोक दी और वो कहता है, अब यहाँ से निकल जाओ। उसे पता था कि रोरी के पास कोई भी पैसे नहीं है। रोरी कहता है, घर पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें पे करता हूँ, पर कैबी ने बात नहीं मानी। रोरी को ऐसे ही चलते चलते घर पर जाना पड़ता है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि इनके बेटी ने घर पर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में बेंजामिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, तो एक कोने में जाकर बैठा हुआ था। सुबह एलिसन ने घर को देखा तो पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा डर्टी हो गया था। वो जाकर बेंजामिन को ढूंढती है तो बहुत ही डरा हुआ था, उसने उसे सहारा दिया। बाहर एलिसन ने अपने हॉर्स को बरी किया था, तो उसके ऊपर की मिट्टी बाजू हो जाती है। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब हुए, वहीं पर बहुत रोई। ये देखकर उसकी बेटी भी उसे सहारा देती है। बेंजामिन को घर पर लेकर आए, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। थोड़ी देर में रोरी भी चलता चलता घर पर पहुंच जाता है। सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रोरी ने कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके पास जो ये फैमिली है इसे वो खोना नहीं चाहता, पर अभी भी वो पैसों के बारे में बात कर रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, हम यहाँ भर जाएंगे, मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। ये सब बातें सुनकर एलिसन उसके पास जाती है, उसे चेयर पर बिठाती है और कहती है, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, अगर ये एक फैमिली की तरह चीज़ों को ट्रीट करेंगे तो सब कुछ परफेक्ट होगा। रोरी जो भी ये सब ट्राई कर रहा था, तो उसने भी अब फैमिली की कीमत जान ली है। वो किसी भी हालत में अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। एलिसन ने जिस तरीके से उसे ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट किया, एक सहारा दिया, जिसे उसने भी उसे माफ कर दिया, उसकी बेटी भी उसे हक कर दिया। ये फैमिली हमेशा एक दूसरे को सहारा देकर सपोर्ट करते रहेंगे। इसी के साथ पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करते हुए एक ब्यूटीफुल से सीन पर इस मूवी का एंड होता है। ये मूवी हमें बता कर जाती है कि एक्चुअल में लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, जो है हमारी फैमिली। इसी एक मैसेज के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।